वहाँ एक व्यक्ति की लाश मिली थी, अनआइडेंटिफाई था, उसका है ना पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था, जिसकी जेब में से हमको कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उसके आधार पर है ना जगदीश पिता भीमा बलाई जामनिया खुर्दी थाना खालवा का रहने वाला इसका मालूम पड़ा। इसके घर वालों से बातचीत की, पहले ये बैंड बाजा बजाने का काम किया करता था, लेकिन कुछ टाइम से शराब का काफ़ी आदी हो गया था, इसलिए अपने घर पे भी रहता नहीं था। इवन उसके कुछ रिलेटिव्स यहाँ रहते थे, उनके यहाँ भी जाता नहीं था, सिर्फ शराब की आदत के कारण। और पन्नी बीन के कुछ कचरा बीन के थोड़ा बहुत कुछ काम करके कुछ पैसा मिल जाता था, उसी में ये अपना शराब वराब पी के बस स्टेशन पर ही जनरली सो जाया करता था। कल जब ये आइडेंटिफाई हुआ, इसकी मौत का कारण क्लियर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पुलिस ने पूछताछ करी, जिस पन्नी के ऊपर सोया हुआ था उसके ऊपर कुछ ना लिखावट और कुछ लिखा हुआ था, बड़ी अभद्र भाषा में चूंकि लिखा हुआ था, लिखावट के आधार पर हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो एक मनोज पिता मन्नू बलाई है, निवासी बगमार पंधाना का रहने वाला है, जो कि इसी के साथ पन्नी वन्नी पीने का काम करता था, वो सुबह से मिसिंग था। जब उसका डॉक्यूमेंट उसका जो सामान वामान चेक किया तो सेम लिखाई उसमें भी पाई गई, जिस आधार पर इसको सस्पेक्ट माना गया और इसको जब हमने पूछताछ किया तो इसके द्वारा जरूर स्वीकार किया गया, क्योंकि मृतक इसके ना बिस्तर के ऊपर सो गया था और वो उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं तो उसने आवेश में आकर पत्थर से उसका सर फोड़ के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मन्नू इसके चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, थोड़ा सा रेलवे में इसका कुछ क्राइम है, जैसे अपनी माँ के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन अभी इसके रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन इस टाइप की इसकी शोहरत है, तो पुलिस द्वारा इसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मैम, लगातार शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस तरह की कार्रवाई, थानों को क्या निर्देश दिए गए हैं? ये बात सही है कि अभी हमारे यहाँ लगातार दो तीन हमारे चोरी की घटनाएं हुई हैं, पिछली बार भी हुई थी तो भी हमने उसको ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की थी। गश्त को हम लोगों ने थोड़ा सा टाइट किया है, हमारे मुखबिन तंत्र को भी हमने थोड़ा सा टाइट किया है, आप निश्चिंत रहिए, हमें ना कुछ न कुछ हमारे पास है ना सफलता दो चार दिन में पक्का मिल जाए। मुखबिर की सूचना पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, ऐसा जानकारी? ऐसा नहीं है, मुखबिर की सूचना हमारे पास सब तरह की सूचनाएं आती हैं, चाहे कहीं से भी है, जरूरी नहीं है मुखबिर है, कभी कभी मीडिया से भी हमारे पास आ जाती है, पब्लिक भी हमको सूचना दे देती है, वेरीफाई करते हैं, कहीं अगर सफलता मिल जाती है कुछ, कभी सूचना सही भी होती है कभी गलत भी होती है। नहीं बताया, जो मैदानी अमला है वो जो इसको पकड़ता है चोरी को।